हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जो एमसीक्यूज हैं उनको मैं अच्छे से पूरी कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन कर सकूं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक फेज है एजुकेशन का, जिसमें यानी कि जो डील करता है बिग मसल्स एक्टिविटीज से, ठीक है, और उनके रिलेटेड रिस्पॉन्सेज से। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, ये किसने दी है डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन दी गई है वो जेबी नैश के द्वारा दी गई है ये डेफिनेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हुम, यानी कि यहां पर भी एक डेफिनेशन दी गई है। तो मैं डेफिनेशन यहां पे पढ़ लेता हूं और आप लोगों को बताना है कि जो सही आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुम द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो एम है फिजिकल एजुकेशन का, जो ऑब्जेक्टिव है या जो भी एम है, ठीक है, मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली फिट, यानी कि हर बच्चे को फिजिकली मेंटली और इमोशनली फिट बनाना होना चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो टू डिवेलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज, और उस बच्चे में पर्सनल और सोशल क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, ठीक है, हैप्पीली जी सके वो, ठीक, एंड बिल्ड हिम अप अ गुड सिटीजन, और वो एक अच्छा नागरिक बन सके। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन दी गई है, आप यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ठीक है। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा दी गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डैश हेल्प इन द ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड एथलीट्स, यानी कि जो भी इंजर्ड हो जाते हैं एथलीट्स, ठीक है, इंजरी वगैरह हो जाती है तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उसके में बात की जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो कौन हेल्प करता है उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उनको कौन ट्रीट करता है, और जो भी इंजर्ड हो जाते हैं एथलीट्स, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है एथलेटिक ट्रेनर्स, यानी कि जो एथलेटिक ट्रेनर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड एथलीट्स। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि रिहैबिलिटेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक गुड करियर ऑप्शन है जो रिलेटेड है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, ठीक है, यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस हैं, ठीक, इनमें सेक्टर्स की बात हो रही है, मतलब जैसे हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर्स हैं, तो इनमें से कौन सा सेक्टर है जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जब बनते हैं तो कौन सा सेक्टर है, किस सेक्टर में बनते हैं, तो भाई वो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन में एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की भी जो जॉब होती है वो बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इज अ करियर ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द मीडिया एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, हु हेल्प्स एथलीट्स मैनेज देयर पेन एंड रिकवर फ्रॉम इंजुरीज, यानी कि एथलीट्स को जब भी कोई इंजुरीज हो जाती हैं या जो भी पेन होता है उनको, तो उस पेन को मैनेज करने में और इंजुरीज से रिकवर होने में, ठीक है, कौन हेल्प करता है, तो ये होते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं एथलीट्स को टू मैनेज देयर पेन एंड रिकवर फ्रॉम इंजुरीज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं डैश हेल्प्स टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ एथलीट्स, यानी कि कौन हेल्प करता है कि ताकि जो मेंटल हेल्थ है एथलीट्स की वो अच्छी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd ऑप्शन, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं ताकि जो मेंटल हेल्थ है एथलीट्स की, ठीक है, मानसिक जो स्वास्थ्य है एथलीट्स का वो अच्छा हो सके, ठीक है, वो इम्प्रूव हो सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स आर दी डैश लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट्स गेम्स इन इंडिया, यानी कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये कौन से लेवल के गेम्स है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है नेशनल लेवल, यानी कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये नेशनल लेवल के गेम्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं ऑन जनवरी 21, 2018
पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ KIYG यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स एट द डैश इन न्यू दिल्ली, यानी कि जो पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 जनवरी 2018 को ठीक जो पहला संस्करण किसका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है, पहले संस्करण का अनावरण किया था न्यू दिल्ली में, कौन से स्टेडियम में, तो हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी एरेना, ठीक है। इस स्टेडियम में जो है जो फर्स्ट एडिशन ऑफ KIYG यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अनावरण किया गया था दिल्ली में, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहे हैं हु विल होस्ट द 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई है उसमें ये बताया गया है कि जो हरियाणा सरकार है वो 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ऑर्गेनाइज उसको करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हरियाणा लगाना है, लेकिन यहाँ पर 2021 जो दिया हुआ है, ठीक है, तो अभी तो फिलहाल वो पोस्टपोन हो गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ओल्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि हु विल होस्ट द 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड व्हेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि जो हरियाणा है वो सही आंसर है, लेकिन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो 2022 में ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है, पोस्टपोन हो चुके हैं कोविड की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, प्ले मेक्स वन ऑसम, ठीक है। ये जो लाइन है पूरी, ये जो मोटो है, ये किसका मोटो है, ठीक है, तो आपको बताना है किन खेलों का ये मोटो है, ठीक, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।